आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ हमें वेक्टर्स दे रखे हैं और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो फर्स्ट पार्ट में है, क्या कह रहा है। ए वेक्टर मेरे को दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर वैक्टर इस फॉर्म में है, ए वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो कोफिशेंट है, अब जैसे यहां पे एक्स क्या है, हेयर एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन, देयर फोर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ वन का स्क्वायर। ठीक है, वन का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे वाई का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर और यहाँ पे जेड मतलब वन का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई वन प्लस वन प्लस वन, आंसर आ गया रूट थ्री। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में बी वेक्टर मतलब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट ऑफ, अब एक्स यहाँ पे क्या है, टू, टू का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस सेवन का स्क्वायर 49, और ये माइनस थ्री का स्क्वायर क्या बन गया 9। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 49 प्लस 9 58 और 4 62। अब इसको आप अगर रिड्यूस कर सकते हो, वैसे रिड्यूस होगा नहीं ये, ठीक है, रूट 62 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं करूँ इसको स्प्लिट देखो तो क्या बनता है 2 इंटू 3 6 और 1, तो इसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यही होगा रूट 62 यूनिट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में सी वेक्टर मेरे को दे रखा है, तो एक्स यहां पे क्या हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, वाई होगा वन अपॉन रूट थ्री, और जेड हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है सी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं जैसे पहले मॉड का साइन होता था ना, वैसे ही लिखना है, वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर बनेगा वन बाय थ्री, ये भी वन बाय थ्री, और माइनस स्क्वायर में तो प्लस ही हो जाएगा वन बाय थ्री। एलसीएम लिया थ्री और ऊपर ऐड होके क्या बनेगा वन प्लस वन प्लस वन, तो ये बन गया रूट थ्री अपॉन थ्री, रूट वन क्या होगा वन, तो आंसर क्या आ गया वन। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड था मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर कंपैरेटिवली ये इजी है, अगर हम दूसरे चैप्टर के साथ कंपेयर करें जैसे इंटीग्रेशन हो गया या डिफ्रेंसिएशन होगी, तो ये चैप्टर ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। उसका कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लेट करेंगे, लेट ए वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो इसका ना मैग्नीट्यूड हमें निकालना है दोनों का, ए का भी और बी का भी। डायरेक्शन मैंने अलग ले लिया, ये प्लस ले लिया और एक मैंने माइनस ले लिया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन प्लस वन प्लस वन, रूट थ्री आ गया। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कोफिशेंट वन, तो वन का स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशेंट है माइनस वन,
और के का 1, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आ गया। हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये दो वेक्टर मैंने जो लिए थे, ये एग्जांपल सही लिया, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, किसके इक्वल, √3 के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब कहता है डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसमें देखो क्या करेंगे, वेक्टर को डिफरेंट ले लो पर डायरेक्शन सेम। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब दूसरे वेक्टर में मुझे डायरेक्शन सारे पॉजिटिव ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने सेम डायरेक्शन बोला। तो ये प्लस वाली साइड का ही, जैसे मैं ये लूँगा 4i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप, ये सेम डायरेक्शन में ही है। ये पॉजिटिव आई, ये भी पॉजिटिव, ये जे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, के पॉजिटिव और के भी पॉजिटिव। वैक्टर डिफरेंट ले लिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जैसे 1 था, ये वैक्टर 4 आ गया, तो ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो गया ना, तो वैक्टर डिफरेंट है ये। अब इनका क्या करेंगे हम, बस मैग्नीट्यूड आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ एग्जांपल में यही पूछा था, कहता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड अलग ही आने वाला है, पर डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना दोनों का, तो इसका आंसर बस यहीं पे छोड़ सकते हो आप। ठीक है, बस उसने एग्जाम्पल पूछा था, तो हमने एग्जाम्पल ले लिए दो डिफरेंट वैक्टर जिनका डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, डायरेक्शन सबके सेम है पर मैग्नीट्यूड मतलब अलग आएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके देख लो, मैग्नीट्यूड ए वैक्टर मैग्नीट्यूड होगा √1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब इसका स्केयर करोगे, चलो पहले मैं स्केयर करके ही शो कर देता हूँ, ये बनेगा √3। ठीक है, बी वेक्टर क्या बनेगा, 4 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। ठीक है, ये बन जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16, क्या बन गया, √48। ठीक है, तो इसको आप अगर फर्दर रिड्यूस करना चाहो, 16 × 3, ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं कि हाँ 16 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 वो 3 बन जाएगा, 16 का अंडर रूट 4, 4 √3। देखो मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग आ गए ना, तो वेक्टर तो डिफरेंट ही है, ठीक है, पर डायरेक्शन दोनों के सेम है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।